स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप सिखाऊंगा कि जिससे आपका लाइफ में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है अगर आप न्यू लर्नर हो। तो ध्यान दें इन बातों का जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, उस चीज का आप ध्यान देना। अगर आप नए सीखने वाले हो तो आपका कभी भी लाइफ टाइम कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, रखे इन बातों का ध्यान। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान देना, सबसे पहले जब भी आप गाड़ी सीखते हो तो आपने अचानक यानी कि जो ब्रेक होते हैं वो एकदम नहीं दबाने हैं, ब्रेक नहीं दबाना, सडन ब्रेक बिल्कुल नहीं दबाना है। क्योंकि आप सडन ब्रेक दबाओगे तो जो पीछे आ रहा होगा वो एक्सीडेंट हो सकता है, हमारी कार में ठोक सकता है। तो ध्यान रहे, कभी भी हो आपने जब भी गाड़ी रोकनी हो तो एकदम ब्रेक ना दबाएं। उसके लिए पहले आपने प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आपको इन तीनों के नॉलेज हो जाए, ब्रेक और एक्सीलेटर एंड क्लच, तभी आपने गाड़ी का इस्तेमाल करना है। तो खड़ी गाड़ी पे ये पहले प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ब्रेक और एक्सीलेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। क्योंकि ये एक ही पैर पे होता है, आपको एक ही पैर से ब्रेक और एक्सीलेटर कंट्रोल करना है। तो ध्यान देना कि किस तरीके से ये करना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक्सीलेटर है, ब्रेक है एंड क्लच है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर इसका एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल, क्योंकि एक पैर से होता है, तो आपने क्या करना है, एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में आपने ये एडी को रख देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो जब भी आप यूज करोगे, अगर आपको एक्सीलेटर का यूज करना है तो आपने उठा करके हल्का सा ऐसा करना है, एक्सीलेटर दबाना है। अगर जब आपको ब्रेक की जरूरत होगी तो आपको यहाँ से उठा करके पैर ब्रेक के ऊपर ले आना है, तो जिससे कि आपको बहुत आसानी से क्लच ब्रेक आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आपने ड्राइविंग सीखनी है, आप नए लर्नर हो, तो इस तरीके से आप खड़ी गाड़ी में, बंद गाड़ी में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपका पैर सेट हो जाए तो उसके बाद आप कार चलाइएगा और ध्यान से चलाइएगा, एकदम ब्रेक कभी भी नहीं दबाने, क्योंकि कोई अगर सामने से आता है, आप एकदम ब्रेक इस तरीके से दबा दोगे तो गाड़ी एकदम रुक जाएगी, जिससे पीछे वाला एक्सीडेंट हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो ये जरूर देना इन बातों का ध्यान। नंबर दूसरी बात ध्यान रहे, कभी भी क्या होता है, जो नए लोग सीखते हैं तो उसको स्टीयरिंग को बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठते हैं, बिल्कुल टाइट बैठते हैं, तो आपने टाइट बिल्कुल नहीं बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत फ्री रहता है, इसको टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरीके से आराम से ढीले हाथ से पकड़ना है, जिधर आपको घुमाना है उधर ही स्टीयरिंग बहुत इजी घूम जाता है। क्योंकि जब आप इसको टाइट पकड़ोगे तो घुमाने में क्या होता है ना, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, क्योंकि गाड़ी टाइट हो जाती है तो आप दाएं बाएं घुमाने में आपको दिक्कत आती है, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप बिल्कुल स्टीयरिंग को जब भी यूज करोगे बिल्कुल ढीले हाथ से यूज करना है, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नंबर तीसरा, आप हमेशा इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करना। आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, इंडिकेटर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है दूसरों को बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बगैर इंडिकेटर दिए राइट या लेफ्ट अगर आप टर्न करते हो तो दूसरे को पता नहीं होता है, तो जिससे कि वो, आप सपोज करो कि आप राइट जा रहे हो, आपने राइट इंडिकेटर नहीं दिया, तो जो आपके राइट साइड आ रहा है तो वो, उसको पता होगा नहीं कि आप राइट टर्न कर रहे हो, एकदम गाड़ी उसको लग सकती है। तो ये ध्यान रहे, राइट इंडिकेटर देना है, फिर तीनों मिरर में देखना है पीछे कि कोई आ तो नहीं रहा है, राइट मिरर में देखना है खासकर, क्योंकि राइट टर्न अप करो, राइट टर्न करते ही जैसे जब आप पीछे देखोगे कोई नहीं होगा तब आपने राइट टर्न करना है। तो इंडिकेटर देने के लिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंडिकेटर ये यहाँ से, अगर आपको राइट जाना है तो इसको हल्का सा नीचे कर दोगे, अगर लेफ्ट जाना है तो इसको हल्का सा ऊपर कर दोगे। तो दोस्तों इन बातों का खासकर आप ध्यान देना, लाइफ में कभी भी एक्सीडेंट ना होगा। आपने जब भी गाड़ी चलानी है तो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो आप जरूर फॉलो करिए, एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।